ओम नमः शिवाय। आपने मेरी पिछली वीडियो को भी काफ़ी सराहा है, तो इसी विषय में मैं एक दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, थर्ड आई को कैसे ओपन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो थर्ड आई है वो हमारी सिक्स सेंस भी कहलाती है। हमारी जो पांच सेंसेस हैं उसके ऊपर एक और सेंस है, वो है हमारी थर्ड आई। अगर ये आपने जागृत कर ली तो आप बैठे बैठे मीलों दूर क्षण भर में कहीं पर भी देख सकते हैं। चाहे इंसान कहीं पर भी हो, आप उसको अपने घर में बैठे बैठे कहीं से भी देख सकते हैं। जिस तरह आप फ़ोन पर वीडियो कॉल करते हैं तो जो चलचित्र हैं वो आपको दिखते हैं, वैसे ही आप किसी को भी अपने सामने देख सकते हैं एक टीवी की तरह। जो भी आप देखना चाहें वो आप सरलतम विधि से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी जो तीसरी आँख है उसका खुलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो थर्ड आई है इसको कैसे खोलें, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो हमारे शरीर के अंदर सात चक्र होते हैं। इन सात चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद जो छठा चक्र है वो हमारा थर्ड आई है। तो इस चक्र को जब हम खोलेंगे तो हमारी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें जो है तांत्रिक लोग जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि सही टेक्निक ना होने के कारण अगर आप इसको करते हो तो आपकी पूरी लाइफ भी कम है कि आप इसको एक्टिवेट कर पाओ। लेकिन अगर आपके पास कोई गुरु है और उस गुरु को आता है कि वो कैसे इस थर्ड आई को ओपन करना आपको सिखा दे, तो यूँ समझिए कि साक्षात परमात्मा आपके सामने खड़े हैं। तो जब भी आप ऐसी साधना शुरू करें तो किसी गुरु के सानिध्य में ये सारा कुछ करें, क्योंकि ये ज़िंदगी ख़राब करने वाली बात होती है। अगर ये आपसे नहीं हुई तो आपकी पूरी ज़िंदगी बेकार चली जाएगी। तो पूरा रिसर्च करें और अपने भीतर से जो आवाज़ आए उसको सुने। इसमें मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। आप जो है इस ऑडियो पर ध्यान लगाएं, दिन में कम से कम भी 5 घंटे आपको इस चीज़ पर देने होंगे। अगर दिन में 5 घंटे आप ये प्रैक्टिस करते हैं, 1 घंटा बिल्कुल मौन रहिए, दूसरे घंटे अपने दिमाग को शून्य कर दीजिए, उसके आगे वाले घंटे में आप इस दुनिया में ही ना रहें, अपने आप को शून्य करना सीखें, आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार ना उठ रहा हो, उसके बाद जो है जो मैं ये आपको साधना दे रहा हूँ इसको आप कीजिए। ये आधे घंटे की है, इसमें आप जो है अपने सारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। मूलधार से उठती हुई जो शक्ति है वो सीधी आपके सहस्रार में जाकर एक अष्टदल कमल की तरह खिलेगी। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको कम से कम दिन में हर रोज़ 12-25 साल तक ये जो साधना ये आपको करनी होगी। एक भी दिन नागा किए बिना आपको ये साधना करनी है, जिससे कि आपकी जो तीसरी आँख है वो खुल जाएगी। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 999-284-1625। इस पर आप मुझे जो भी चाहे पूछ सकते हो। और इस साधना को करते हुए आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो आपका वातावरण है वो हवादार हो और आसपास कोई ना हो। एकांत में बैठकर ये साधना कीजिए, चाहे तो गुफा में जाइए, चाहे जंगल में जाइए, चाहे नदी किनारे जाइए, लेकिन ऐसी जगह का चुनाव कीजिएगा जो कि किसी प्रकार के भी डिस्टर्बेंस से दूर हो, कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर दे। तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर कि आप रोज़ जा सकें, या फिर अपना ही कोई कमरा हो जिसमें कि आप रोज़ कर सकें, और वहाँ पर जाकर इस साधना को कीजिए। तो मेरा यकीन मानिए कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको आप पूरा ना कर सको। इस साधना को कीजिए और जो है कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियाँ अपने वश में कीजिए जो कि आपके हित में काम करेंगी। तो ये जो दिव्य दृष्टि है, जो तीसरी आँख है, ये सबसे पहले शंभू ने खोली थी। उसके बाद ये सारा कुछ जो है भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि इसको कैसे खोलना है, और तब से ये जो ज्ञान है ये चलता ही आ रहा है। तो आप भी इसको ओपन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए संयम और साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा तो भी ये नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप इसको ज़रूर हासिल कर सकते हो।
आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर कि एक MP3 होगी। उस MP3 को डाउनलोड कीजिए और उसके बताए गए निर्देश अनुसार आप जो है साधना कीजिए। ये साधना अगर आप पूरी कर लेते हैं 25 साल तक हर रोज़ कम से कम भी 5 घंटा आपको इसमें लगाना है। तो मेरा यकीन मानिए, सिर्फ ये तीसरी आँख नहीं, आपको ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी भी तरह की परेशानी आए या फिर आप कहीं पर अटक जाएं तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा 9992861625 पर। धन्यवाद।